हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। आज जो हम लोग वर्णिका जो चैप्टर है उसका आज चौथा चैप्टर देखेंगे। वर्णिका का चौथा चैप्टर जो है वर्णिका हिंदी का हुआ है नगर। क्या चीज़ है? नगर कहानी। इसमें आज हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए, पहले जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं पहले वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए कर दिए हैं, वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला है, पपाप्ती की उम्र कितनी थी? पपाप्ती की उम्र क्या थी, मतलब कितनी थी? 10 वर्ष थी, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? तो पपाप्ती का जो उम्र थी कितने में थी? 12 वर्ष। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, दो नंबर की ओर। दो नंबर में है, पपाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? आप लोग शेयर करने में बहुत कमी करते हैं, आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर में देखिए क्वेश्चन है, पपाप्ती की बेहोश क्यों पड़ी थी? जो पपाप्ती थी वह बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, या पेट दर्द के कारण? तो पपाप्ती जो बेहोश पड़ी थी तेज बुखार के कारण। किसके कारण? तेज बुखार के कारण। तीन नंबर में आते हैं, तीन नंबर में है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता है, सावरदैया है, श्रीनिवास है, सातकुड़ी होता है? तो नगर जो कहानी है उसका लेखक कौन है? सुजाता है। कौन है? सुजाता। चार नंबर में आते हैं, चार नंबर में है कि एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या था? सावरदैया, सुजाता, या फिर श्रीनिवास का, या फिर धनानंद का? जो एस रंगराजन नाम था वास्तविक नाम किसका था? तो वह सुजाता का था। चार नंबर, पांच नंबर की ओर आते हैं। पांच नंबर में है, आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था? छोटे डॉक्टर ने, या फिर बड़े डॉक्टर ने, या प्रशिक्षु डॉक्टर ने, या नर्स ने? तो उन्होंने ये जो बात कही थी वो बड़े डॉक्टर ने कहे थे। कौन डॉक्टर? बड़े डॉक्टर, जो कहाँ से पढ़ के आए थे? इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, उन्होंने ये बात बोले थे। आगे बढ़ते हैं छः नंबर की ओर। छः नंबर में है कि पपाप्ती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर ले गई थी? बेंगलोर शहर, या हैदराबाद, या चेन्नई, या मदुरई उत्तर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदुरई शहर ले गई थी। उत्तर नहीं होगा, मदुरई शहर ले गई थी पपाप्ती को उसकी माँ इलाज करने के लिए। कहाँ ले गई थी? तो मदुरई शहर ले गई थी। सात नंबर में देखिए, सात नंबर में पपाप्ती कहानी की पात्र है ढहते विश्वास की, नगर की, धरती कब तक घूमेगी, या माँ की? तो पपाप्ती किस कहानी का पात्र है? नगर की है। आठ नंबर में आइए, आठ नंबर में है कि बल्ली अमल किस गांव में आई थी? गुंड लुपेट में, या नंज गुंड में, या थंजावुर में, या मुंडा डीपट्टी में? तो बल्ली अमल जो है वह मुंडा डीपट्टी में आए थे। कौन से गांव में आए थे? मुंडा डीपट्टी में। आगे बढ़ते हैं नौ नंबर की ओर। नौ नंबर में एस रंगराजन किस लेखक द्वारा पूरा नाम है? जो एस रंगराजन है वह किस लेखक का पूरा नाम है? श्रीनिवास जी का है, या सातकोड़ी होता का है, या सुजाता का है, या ईश्वर पेटलीकर का है? आप लोग जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव सेक्शन में आंसर जरूर देते चलिए, और जो भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर एक बच्चा इस एजुकेशनल चैनल से जुड़ सके और बिहार के हर एक बच्चा के पास यह वीडियो पहुंचा दीजिए आप लोग।
एकदम पूरा रगड़ के आप लोग शेयर कीजिए, शेयर करने में आप लोग कमी नहीं कीजिए। और जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, तो एस रंगराजन का पूरा नाम क्या था? सुजाता था। किसका नाम था पूरा? सुजाता का पूरा नाम क्या था? एस रंगराजन। 10 नंबर में आइए, 10 नंबर में है कि पपाप्ति को कौन सा रोग था? टिटनेस था, हैजा था, कैंसर था या मेनिनजाइटिस था? तो पपाप्ति को कौन सा रोग था? मेनिनजाइटिस था। आप लोग को पता ही होगा कि पपाप्ति को जो रोग था कौन सा था? मेनिनजाइटिस। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में क्वेश्चन है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया भाषा से, तमिल भाषा से, गुजराती से या फिर कन्नड़ से? तो जो नगर कहानी था प्यारे बच्चों, उसका जो भाषा था कि किस भाषा में अनुदित था, तो वह भाषा आप लोग आंसर जरूर देते चलिए। तो वह भाषा कौन था? तमिल भाषा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? जो नगर कहानी है वह किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलिकर, सातकोड़ी होता, सुजाता या श्रीनिवास जी द्वारा? नगर कहानी जो है किसके द्वारा? तो सुजाता के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में या कर्नाटक में या मद्रास में या फिर हैदराबाद में? बताइए आंसर आप लोग कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में है कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगमा है या पपाप्ती है या मंगू है या फिर वल्ली अमल है? तो नगर कहानी में किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो पपाप्ती के बारे में। किसके बारे में? पपाप्ती के बारे में। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर में है कि वल्ली अमल की पुत्री कौन थी? बल्ली अमल की पुत्री कौन थी? सीता थी, पपाप्ती थी, गीता थी या लक्ष्मी थी? तो बल्ली अमल की जो पुत्री थी कौन थी? पपाप्ती थी। 16 नंबर की ओर आइए। 16 में है कि जगर कहानी में जगर नहीं होगा, नगर होगा। कौन सी नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? मदुरई के बारे में, पटना के बारे में, दिल्ली के बारे में या कोलकाता के बारे में? तो किसके बारे में वर्णन किया गया है? मदुरई के बारे में इसके वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है, माँ है, ढहते विश्वास है, नगर है या दही वाली मंगमा? तो के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना जो है क्या चीज है? तो नगर है। किसके बारे में? नगर के बारे में के जमुना द्वारा अनुदित किया गया था। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में है कि नगर कहानी किस रचना से संकलित है? आधुनिक तमिल से या समकालीन भारतीय से या माँ से या इनमें से कोई नहीं? जो भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए लाइव सेक्शन में आंसर जरूर देते चलिए, और सभी बच्चे एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन पे आप लोग का डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए, या जो भी कुछ आप लोग को जिस टॉपिक पे वीडियो या जिस टॉपिक पे आप लोग का जो भी साइंस का या फिर सोशल साइंस या मैथ कोई भी हो सब्जेक्ट का, तो
तो उसका आप लोग जरूर बताइए कि सर ये सब्जेक्ट आप लाइए इस विषय का, इस चैप्टर का, तो उस पे आप लोग का वीडियो बना दिया जाएगा या आप लोग को वहाँ पे जवाब दे दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, 19 नंबर में है कि बड़े डॉक्टर साहब पापाप्ति के संदर्भ में क्या आदेश दे किए थे, अस्पताल की छुट्टी से या अस्पताल में भर्ती करने हेतु या राशि जमा करने हेतु या इनमें से कोई नहीं। तब बड़े डॉक्टर ने क्या किए थे कि इसको पापाप्ति को क्या कीजिए, अस्पताल में भर्ती करिए, मतलब भर्ती करने के लिए बोले थे। आगे देखिए है कि पापाप्ति कौन थी, बल्ली अमल की बहन, बल्ली अमल की पुत्री भतीजी, बल्ली अमल की पुत्री, बल्ली अमल की पोती। तो पपापती जो थी वह बल्ली अमल की पुत्री थी, क्या थी, पुत्री थी। और आप लोग शेयर करने में बहुत कमी करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग शेयर करते रहिए, शेयर करने में कमी नहीं कीजिए। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में है सुजाता की लगभग कितने कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, 20 से अधिक, 25 से अधिक या 30 से अधिक या 15 से अधिक। तो सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, 25 से अधिक कृतियां जो है प्रकाशित हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। 22 में पापाप्ति अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई, बल्ली अमल की अशिक्षा के कारण या निर्धनता के कारण, डॉक्टर नहीं रहने के कारण या अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। तो बल्ली जो पापाप्ति थी अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती थी, जो बल्ली अमल थी वह क्या थी, अशिक्षित महिला थी। डॉक्टर बोले थे कि आप इस रूम नंबर मतलब कमरा नंबर बता दिए थे, और वो क्या कर रहे थे, जगह जगह पे जाके क्या कर रही थी, पूछ रही थी। तो इसके वजह से मतलब अशिक्षा के कारण उनकी जो पापाप्ति थी वह अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। 23 नंबर देखिए और लास्ट क्वेश्चन है। 23 नंबर में है कि नगर कहानी में संदेश दिया गया है नारी के केवल घरेलू काम करना चाहिए, नारियों को शिक्षित होना चाहिए या फिर नारियों के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या बताया गया है कि महिला को क्या रहना चाहिए, मतलब नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि बल्ली अमल जो थी क्या थी, अशिक्षित थी, जिसके कारण पापाप्ति क्या हो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाती थी। चलिए आगे बढ़, तैयार हो गया हम लोग का 23 क्वेश्चन टोटल समाप्त। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों एग्जाम में, इससे बाहर आपको नहीं आएगा, इससे बाहर एग्जाम में आप लोग का नहीं आएगा, इसलिए इतना ही क्वेश्चन आप लोग के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करने में कमी नहीं कीजिए। बिहार के जितने भी बच्चे मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, आप लोग वीडियो पहुंचाने में कमी नहीं कीजिए, सभी के पास पहुंचा दीजिए। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, शेयर करने में आप लोग बहुत कमी करते हैं, और आप लोग जो भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों सभी के पास शेयर कर, जितने भी ग्रुप हो सभी में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।